में हिंदी में बात करूंगा। तो पहली चार पंक्तियों से खुद को प्रस्तुत करता हूं कि ज्ञान की अवहेलना अज्ञानता अपार, जीत की न कल्पना मैं हार का करार हूं, गुमनाम एक पात्र में बदनाम या हजार हूं, भोर की कगार ना मैं घुप अंधकार हूं, न गर्म न सर्द हूं, महीना हूं अघन, मनीष हूं पर ईशन का। और अगली चार पंक्तियां जीवन की सबसे खूबसूरत महिला को समर्पित करता हूं, अपनी माँ को समर्पित करता हूं, कि जब मुझे किलकारियों से गाना जीवन राग लाया, जोड़ गिनती और पहाड़े अंकों का गुना भार लाया, जन्म शिक्षा संस्कारों का उससे गुरु ज्ञान ले, छात्र मेरी माँ का मुझको बनने का सौभाग्य है। और काफी मेरे मामों ने यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं आप तक पहुँचता हूँ, एक नज्म है मैं आप तक पहुँचता हूँ। लोग जनरली कहते हैं कि शाम जब हो जाती है तो कोई भी चीज खत्म हो जाता है, यानी कि किसी दिन का जब शाम हो जाता है तो वो दिन ढल जाता है, वो दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है जब अगर किसी चीज की शाम ही ना हो तो मतलब वो चीज खत्म ही ना हो। तो ऐसे है कि उस काम का क्या दाम होगा, शाम उसमें है नहीं। काम समझ रहे हो ना, वर्क वाला काम नहीं, वो वाला काम। तो उस काम का क्या दाम होगा, शाम उसमें है नहीं, अथाह है अनंत है विश्राम उसमें है नहीं, स्पर्श में शिवरण नहीं तेरी कि हर रोम में अदब हो जाए, और नैन में अगर नहीं तेरी कि बिन किए सब हो जाए। और सामने मेरे भाई बैठे हैं तो इनने एक दिन क्या किया कि गूगल पे सर्च किया व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो गूगल का जवाब आया लंबी दूरी के रिश्ते। तो अगर आप लोग कोई हैं लंबी दूरी के रिश्ते तो आप, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वीरता का पुरस्कार ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए जो लंबी दूरी के रिश्ते, क्योंकि काफी वीरता का काम है तो लंबी दूरी के रिश्ते में रहना। तो ऐसे कि जिद ठाने गुस्सा मन में हर एक जतन वो लगा रही है, जिद ठाने गुस्सा मन में हर एक जतन वो लगा रही है, एक लड़की है जो कहीं रोज से मिलने बुला रही है। काम में हमें फंसाया बोलो फुर्सत ले कहां से, कि काम में हमें फंसाया बोलो फुर्सत ले आऊं कहां से, बेवकूफ हरदम कहती है आओ मुझे ले जाओ यहां से, नए आने से शक्ति में धीरे धीरे पिघला रही है, एक लड़की है जो कई रोज से मिलने बुला रही है। अरे रुको जरा अभी तुम जरा नहीं समझते हो, अरे रुको जरा अभी नहीं तुम जरा नहीं समझते हो, खूब समझती हूँ मैं हर बार तो यही तुम कहते हो, वो कहती है मुझे शक है तुम पे, अब सोच पे तो कोई जोर नहीं है, वो कहती है मुझे शक है तुम पे, अब सोच पे तो कोई जोर नहीं है, खाओ तो तुम कसम हमारी कि जीवन में कोई और आएंगे। उसे हक भी है उसे शक भी है कि शायद दिल कोई और बहला रही है, एक लड़की है जो कहीं रोज से मिलने बुला रही है। और लोग इतने क्यूरियस होते हैं किसी के पास समय नहीं होता, बिल्कुल समय नहीं होता। इतनी अच्छी कविता मैंने एक दोस्त को सुनाई, उसने सुन ली, उसने सुनने के बाद कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये बताओ कि आगे क्या होगा, गए कि नहीं है। तो बस दो लाइन इस पे बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा कि ये जो बदले बदले से है मेरे हालात अभी, कि ये जो बदले बदले से है मेरे हालात अभी अभी, मैं करके आया हूँ उनसे मुलाकात अभी। सब उपमाएं और अलंकार अब छोटी लग रही, सब उपमाएं और अलंकार अब छोटी लग रही, मैं देख आया हूं उनके असली जेवरात अभी।